सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस टेक एंड ब्लॉग। और आज की इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं जो लोग यूट्यूबर्स हैं उसके लिए स्पेशली ये वीडियो जो होने वाला है, क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें हम लोग बताने वाले हैं कि कैसे आप लोग सिर्फ एक मिनट के अंदर आपके मोबाइल पे कर्सर के मदद से वीडियोज़ बना सकते हो। तो जो लोग स्क्रीन रिकॉर्डर के मदद से वीडियोज़ बनाते हो मोबाइल पे, उसको एक प्रोफेशनल वीडियो बनाने के लिए ये पूरा वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल बने आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल, लाल कलर का सब्सक्राइब होगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट अपलोड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी पहुंचने में। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये रहा हमारा जो कर्सर है, ऑलरेडी आप लोग देख सकते हो ये जो कर्सर है इसको हम जहाँ भी प्लेस करके क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ये बिजनेस अकाउंट ओपन हो चुका है। तो गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना होगा स्क्रीन रिकॉर्डर। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डर सर्च करने के बाद सेकेंड ऑप्शन पे जो ब्लू कलर का आइकॉन है उसको आपको पहले इंस्टॉल कर लेना होगा। पहले से क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है इसीलिए मैं मेरा ओपन कर रहा हूँ यहाँ से। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये है वो पेज आपको ओपन करना होगा। ठीक है, ऐप ओपन करने के बाद आपको सेटिंग्स के ऑप्शन में क्लिक करना होगा। सेटिंग्स ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको पहले जाना होगा रेजोल्यूशन में। रेजोल्यूशन के जाने के बाद आपको क्लिक करना होगा 1920x960 जो कि है 18:9 का जो डिस्प्ले है मीन्स रेजोल्यूशन है वो आपको क्लिक करना होगा। 18:9 का डिस्प्ले है, क्लिक करना होगा। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा, स्क्रॉल करने के बाद आपको फ्रेम रेट क्लिक करना होगा। ठीक है, फ्रेम रेट आपको 8 Mbps का आपको रखना होगा। ठीक है, उसके बाद कैंसिल ऑप्शन में क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको और भी थोड़ा नीचे आना होगा। ठीक है, उसके बाद फिर से फ्रेम रेट पर क्लिक कीजिएगा और 30 Mbps को ऑप्शन को क्लिक कर लीजिएगा, उसको कैंसिल कर दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर जो लिखा गया है 100 batch करके या फिर 100 launcher जो भी लिखा हुआ है उसको ऑन कर लीजिएगा। ऑन करने के बाद और भी थोड़ा नीचे जाइएगा, उसके बाद आपको क्लिक करना होगा लोगो मेकर पे। ठीक है, लोगो मेकर पे क्लिक करने के पहले आपको वहाँ पर एक आइकॉन दिखाई देगा, उसको क्लिक करना होगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको इसके पहले आपको एक PNG लोगो डाउनलोड कर लेना होगा गूगल क्रोम से या फिर कोई भी ब्राउजर से। ठीक है, एक PNG लोगो डाउनलोड कर लीजिएगा, उस डाउनलोडेड फाइल को आप ओपन कर लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, क्लिक कर लीजिएगा, ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप जिस मर्जी उसको सेव कर सकते हो, बड़ा या छोटा आप कर सकते हो उसको इसके मदद से, जॉयस्टिक की मदद से आप कर सकते हो। उसके बाद लोगो का ऑक्यूपेशन जो है मतलब कितना ब्राइट होगा आपका लोगो वो आप क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद 100 लोगों पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, वो जो ऑप्शन है वो ऑन कर दीजिएगा। ऑन करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना होगा। ठीक है, आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा सब कुछ बराबर है, इसके बाद आप ऐप को क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, ऐप क्लोज करने के बाद आप फिर से एक बार ओपन कीजिएगा और उसके बाद रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, रिकॉर्ड ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको ऊपर ऐसा एक इंटरफेस दिखाई देगा जिसको स्टेटस बार या कुछ भी बोल सकते हो, डैशबोर्ड बोल सकते हो। वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा रिकॉर्ड वाले सेक्शन पे। क्लिक करने के तुरंत बाद आपको एक बार परमिशन लिया जाएगा, कंफर्म करके आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक नाउ करने के द्वारा इमीडिएटली आपको यह कर्सर देखने को मिल जाएगा और रिकॉर्ड भी करना स्टार्ट हो जाएगा ये स्क्रीन। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे और हेल्पफुल लगे प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, आपको फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा।